कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई है जिसके लिए आपको आवेदन करना है ऑनलाइन। यहां पर सिर्फ 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए भर्ती निकाली गई है जिसका नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि एज लिमिट क्या चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए इसके लिए और आपको आवेदन कैसे करना है, बने रहे पूरे वीडियो में। और दोस्तों अगर आप सरकारी नौकरी की अपडेट आपके मोबाइल पर भी पाना चाहते हैं तो आज ही हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करें नियो वर्ल्ड टेक के नाम से, आपके सामने एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी सरकारी नौकरी फ्री गवर्नमेंट जॉब के नाम से। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। सरकारी नौकरी और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, वीडियो के नीचे से लाल बटन को दबाएं और घंटी का बेल आइकन दबाएं ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और दोस्तों में इसे शेयर करें। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई है जिसके लिए आपको आवेदन करना है ऑनलाइन। यहां पर 100 टोटल वैकेंसी है जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो ₹300 हर एक कैटेगरी के लिए यहां पर आवेदन शुल्क रखा गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो लास्ट डेट जो है 16 जुलाई, इसकी लास्ट डेट है आवेदन करने की। एज लिमिट आप देख सकते हैं 18 से 28 साल के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। और यहां पर आयु सीमा में छूट भी है जो कि एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहां पर सिर्फ अगर आप 10वीं क्लास पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां पर आपको नोटिफिकेशन और वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जैसे ही आप इन पर क्लिक करेंगे आप नोटिफिकेशन पर आ जाएंगे, यहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैं आपको बता देता हूं, यहां पर देख सकते हैं आप फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के बारे में बताया गया है और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका पीईटी होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, जिसमें आपकी लॉन्ग रेस होगी 1600 मीटर की, मेल कैंडिडेट्स के लिए 6.5 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी और फीमेल के लिए 1000 मीटर की दौड़ है जो कि 6.5 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी। और यहां पर है ऋषभ सुबी होगा जो कि 20 बार आपको करना है 1 साइकिल ऑफ अप एंड डाउन टू बी काउंटेड एज 1, ठीक है, एक बार ही काउंट किया जाएगा। शॉटपुट होगा जो कि 4 किलोग्राम का आपको 14.5 फीट के अंदर आपको फेंकना होगा, 3 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर सकते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड में आप देखते हैं हाइट और आपका चेस्ट नापा जाएगा, उसमें आप क्वालिफाई होना जरूरी है। रिटर्न एग्जाम आपका होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एनालिस्टिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं आपका पूरा सिलेबस आपको दिया गया है कि किस तरीके से आपको इसकी तैयारी भी करनी है, ठीक है दोस्तों। यहां पर आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि आप आवेदन कैसे करते जाएं स्टेप बाय स्टेप, तो आपको इस नोटिफिकेशन में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस नोटिफिकेशन लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के जानकारी ले सकते हैं और इस वैकेंसी के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी की अपडेट ऐसे ही मिलते रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपको देते हैं लेटेस्ट और ऑल ओवर इंडिया की रिक्रूटमेंट की जानकारी। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी का बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।